तो व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस आज मैं आपको लेकर आऊँ कुंज मोटर्स पे, एंड आज के व्लॉग में गाइस आपको फिर से एक न्यू SUVs का कार कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। लाइक जैसे मेरे पीछे देख रहे हो GLC पेट्रोल, GLC डीजल, इसमें पेट्रोल में, डीजल में पोर्श काइन, किया सेल्टोस GT और भी बहुत सारी हम आपके लिए एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कार्स लेके आए हैं, एंड कार की कंडीशन जो है एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो इन सारी कार की डिटेल देने के लिए अब मैं बुलाऊंगा अपने रोहित भाई को, तो काफ़ी टाइम से मैंने मिस भी कर दिया। आइए रोहित भाई। रोहित भाई कैसे हैं? बहुत अच्छे मोहित, आप सुनाइए। बस भैया एकदम बढ़िया। सो रोहित भाई हम पहले बात करते हैं आज के लॉ में, हम फिर से एक भाइयों को बहुत काफी ब्रांड न्यू कार कलेक्शन दिखा रहे हैं, एंड इवन न्यू शेप की कार ज्यादा हम दिखाने वाले हैं, न्यू शेप की भी कार दिखाने वाले हैं। सो भैया पहले काफी भाई हमारे साथ नए जुड़ते हैं, हम बात करेंगे, सारी कार जो है ऑलमोस्ट फाइनेंस हो जाएगी, ऑलमोस्ट फाइनेंस हो जाएगी, पैन इंडिया फाइनेंस होंगी, पैन इंडिया फाइनेंस हो जाती है, इट वेरी ऑन द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। ओके, एंड भैया ये डिपेंड भी करता है, प्लस अगर किसी को कोई भी कार का सर्विस रिकॉर्ड चाहिए वो मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। गाइस नंबर हमने आपके सामने डिस्प्ले छोड़ रखे हैं, क्योंकि भैया झूठ बोल देंगे, मैं झूठ बोलूंगा, नंबर झूठ नहीं बोलेगा, क्यों भैया? बिल्कुल। इसके अलावा गाइस आपको किसी भी कार की कोई भी डिटेल चाहिए तो भैया से कांटेक्ट कर लेना, भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पे कांटेक्ट करके भैया से पूछ सकते हैं। YouTube चैनल माई एक्साइटिंग व्लॉग से सब्सक्राइब कर लेना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है कि कौन सी नई कार का व्लॉग आने वाला है, चाहे फिर वो किसी भी सेगमेंट का हो। सभी फिलहाल हमने आपके लिए दो व्लॉग और शूट किया है, एक में हमने आपको पूरी SUVs दिखाई हैं, एक में पूरी लग्जरी सेडान का कलेक्शन है, एंड दो हमने आपके लिए स्पेशल बेंटले की गाड़ियाँ निकाली है, जिसमें एक GTC है और एक फ्लाइंग स्पार है, उनकी एक डिटेल वीडियो आने वाली है, तो वो भी आप जरूर देखना। तो चलिए गाइस चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग को। सो गाइस आज की ब्लॉग की जो मैं आपको सबसे पहली गाड़ी दिखाने वाले गाइस वो है येलो कलर का ये बीस्ट हमर। एट द टाइम अगर आप कहीं मार्केट में इसको ढूंढते हो तो ये इजीली अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है इंडिया में, तो एक भैया के पास अवेलेबल है। भैया सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स हो कुछ गाड़ी की। ये नवंबर 2010 का मॉडल है और ये गाड़ी चली है अराउंड 69,000, ठीक है। S3 वेरिएंट है, 2010 के बाद ये गाड़ी आनी ही बंद हो गई थी, मैन्युफैक्चर बंद हो गई थी, ठीक है। काफ़ी रेयर गाड़ी है जो आपको वेल मेंटेन मिलेगी। इस गाड़ी का जो हमने प्राइस रखा है 57,90,000। ओके, एंड ये मैं बात करूँ, इसको मैंने अभी ड्राइव भी किया था, मैंने इसकी ग्रिल भी डाली थी, बाहर से लुक में बल्की है लेकिन अंदर से ऐसी नॉर्मल ही अभी ये गाड़ी है, लाइक जैसे उम्मीद की थी जैसे होगी। के लिए यूज होती है मोस्टली, आप देख लीजिए ना दुबई वगैरह में, हां डेजर्ट्स में ऐसे ये वो। अच्छा, ये मोस्टली उसके लिए होती है और वैसे ये US आर्मी के लिए बनाई गई थी। ओके, एंड गाइस नंबर देख लो, फैंसी है, KL45D8888 नंबर मिलेगा। तो अब हम आएंगे आपकी नेक्स्ट कार पे, जो कि है गाइस आपकी मर्सिडीज बेंज GLC 300, है ना भैया? GLC 300 पेट्रोल फोर मैटिक, फोर व्हील ड्राइव है। तो भैया सबसे पहले हम बात करेंगे ये आपकी आगे न्यू शेप में गाड़ी, न्यू शेप में बात करेंगे इसकी डिटेल सी। अक्टूबर 2019 का मॉडल है, गाड़ी जो चली है अभी तक सिर्फ 6,000 किलोमीटर चली है। गाइस ओनली 6,000 किलोमीटर ड्रिवन है ये आपकी न्यू शेप कार, ठीक है भैया। नेक्स्ट, और गाड़ी का जो प्राइस रहेगा 52,90,000, एंड ओनर ही सिंगल ही होगी आपकी, ओनर सिंगल ही है, ठीक है। एंड अगर कोई इसको ऑल इंडिया फाइनेंस कराना चाहता है इजिली हो जाएगी, बाकी आपको पूरा सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा। एंड गाइस बता दूं ये टॉप वेरियंट है, पूरी फीचर से लोडेड है, इसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट है आपके आगे पोर्श काइन, आपकी क्या बोल रहे हैं कलर, क्या बोल रहे हैं? न्यू शेप है, 2015-2014 तक पुरानी शेप रही थी, 2015 में न्यू शेप आ गई थी जिसमें सॉफ्ट क्लोज डोर भी है। अच्छा, इसमें सॉफ्ट क्लोज डोर मिलता है जी। फर्स्ट ओनर है, गाड़ी अभी तक 27,000 चली हुई है। ओके, डीजल वेरिएंट है, 3 लीटर V6 इंजन है इसके अंदर, और गाड़ी का जो प्राइस हमने रखा है 52,90,000। ओके, ओनर सिंगल ही होगा, ओनर सिंगल है, ठीक है। एंड गाइस नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है ये, तो चलो ये गाइस एक ऐसी गाड़ी है जो आज के टाइम में हर मतलब हर काफ़ी बंदे इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं। चलो ये तो एक्सपेंसिव हो गई, ये एक ऐसी गाड़ी है जो आज के टाइम में हर कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सो गाइस ये है आपकी किया सेल्टोस की GT एक्सप्रेस, जो कि टॉप वेरिएंट गाड़ी है। गाइस ये जो है फीचर से लोडेड है, एंड बेसिकली ये स्पोर्टी वर्जन है क्योंकि GT वर्जन है। सो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार की, हम डिटेल शेयर करेंगे। भैया पहले बताओ कौन सी का मॉडल होगा? ये June 2020 का मॉडल है, गाड़ी चली है 9400, ठीक है। और जो गाड़ी है फर्स्ट ओनर है, ये टॉप एंड लाइन है जो पेट्रोल की जो इनकी आई है, 21 लाख रुपए की नई गाड़ी है। प्लस इन्होंने एड ऑन किया से ही इसके अंदर रियर एंटरटेनमेंट भी इन्होंने फिक्स करा रखा है, एम्बिएंट लाइटिंग भी इन्होंने किया से ही करा रखी है, आउटसाइड से कोई भी काम नहीं कराया गया है, ठीक है। गाड़ी का जो प्राइस है 18,90,000, जो नई गाड़ी है वो 21 लाख रुपए की है, 6 महीने का वेटिंग है ठीक तब है। आपको गाड़ी मिलती है किया सेल्टोस GT के लिए खास जी, एंड आपको ये मिल रही है 18,90,000 रुपीज की। गाइस बता दूं प्राइस जो है नेगोशिएबल है,
तो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है आप इस कार की कंडीशन देख लेना, नंबर आपके सामने डिस्प्लेड है, तो ये तो एक ऐसी गाड़ी है जो भैया मेरे हिसाब से जल्दी निकल जानी चाहिए वीडियो देखते क्यों भैया। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस इसकी डिटेल हो गई, बाकी गाइस कार देख लो एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में, ऑटोमेटिक वेरिएंट में गाड़ी है। नेक्स्ट अब आपके आ चुके एक और GLC, ये आपकी डीजल वेरिएंट में, ब्लैक आपकी पेट्रोल थी, ये आपकी डीजल वेरिएंट है, डिटेल पे आएंगे इसके हम। ये GLC 220 4MATIC है, ये भी फोर व्हील ड्राइव है, मई 2018 का मॉडल है, गाड़ी चली है 32,000 अराउंड, ठीक है, और गाड़ी सिंगल ओनर है, यूपी रजिस्टर आप देख सकते हैं, यूपी 32 लखनऊ से आई थिंक। गाड़ी का जो प्राइस हमने रखा है 39,90,000। एंड भैया आज के डेट पे अगर मैं बात करूँ 2022 में अगर ये कोई कार अगर शोरूम से जाके न्यू परचेज करता कितनी कॉस्टिंग आती है? 76 लाख। ये गैर आपको 76 लाख की कॉस्ट करेगी जो एट द टाइम आपको मिल रही है 39 लाख में। हाँ जी, वो भी नेगोशिएबल है प्राइस। 39,90,000 आस्किंग फॉर, स्लाइटली वी कैन गो फॉर नेगोशिएशन। एंड गैर बता दूं कार की कंडीशन देख के जाओ, क्योंकि देखो अगर आप एक अच्छी गाड़ी ले रहे हो तो उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा स्पेंड करना ही पड़ेगा, क्यों भैया। अब नेक्स्ट गैर आपके आ चुके ऑडी Q5, भैया हम इसकी बात करें ऑडी Q7 की छोटी बहन है। बिल्कुल जी, ऑलमोस्ट वही सेम लुक है जी, ऑडी Q5 क्वाट्रो, ये 2018 का मॉडल है, अक्टूबर मंथ की है, ठीक है। क्वाट्रो मींस इसकी टेक्नोलॉजी है कि ये फोर व्हील ड्राइव है। हाँ जी, टेक्नोपैक गाड़ी है, बट टेक्नोपैक इज हाई एंड वेरिएंट है, टॉप लाइन जो इनका, ठीक है ठीक है। गाड़ी जो चली है अभी तक 29,000 का गाड़ी का रन हुआ है, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, सिंगल एंड कैप्ड है, तो गाड़ी का हमने प्राइस रखा है 42,90,000। ओके 42,90,000 इसकी कॉस्टिंग है। बाकी गाइस बता दूं ये न्यू शेप वेरिएंट में आपकी गाड़ी है, इसको आप लेने में इंटरेस्टेड हो उसकी टेस्ट ड्राइव लो, डॉक्यूमेंटेशन देखो। सो गाइस ऑडी Q5 की डिटेल्स होगी, न्यू शेप वेरिएंट में आपको गाड़ी मिलेगी। अब नेक्स्ट आपके आ चुके हैं रेंज रोवर स्पोर्ट। गाइस इसकी भी मैं बताऊँ, इसकी भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, काफी जो पंजाब के जो हमारे भाई है रेंज रोवर का क्रेज उनमें सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज के पास रेंज रोवर, पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी अपना बिजनेसमैन हैं सभी के पास उनके उसमें स्टॉक में रेंज रोवर स्पोर्ट जरूर होगी। भैया एक बात पक्की है, मैंने बात देखी है, अच्छा जितने भी चाहे सलमान खान की बात करें और भी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की हम बात करें या इवन जो हमारे जो नेता भी हैं उनकी भी हम बात करते हैं, सबके पास ऑटोबायोग्राफी वो या स्पोर्ट उनके कलेक्शन में एक जरूर पक्की है भैया। सो सबसे पहले हम आएंगे इस गाड़ी की डिटेल पे भैया। मार्च 2017 का मॉडल है, 2017 गाड़ी चली है अराउंड 86,000, ठीक है, रेगुलर यूज की गाड़ी थी तो ये गाड़ी नॉर्मली इतना चली जाती। गाड़ी जो है फर्स्ट ओनर है, यूपी 93 आप देख सकते हैं, यूपी रजिस्टर है, गाड़ी दिल्ली के अंदर ही रही है, एक्चुअली इनका बिजनेस वहाँ पर है, ठीक है, तो ये फर्म के नाम से गाड़ी है। गाड़ी का जो हमने प्राइस रखा है 71,90,000। एंड अगर न्यू की बात करते हैं भैया आज के टाइम पे रेंज रोवर स्पोर्ट न्यू कितने की आती है? अराउंड 1.5 करोड़ से अपर है। 1 करोड़ से ऊपर की है गाड़ी? 1.5 CR से ऊपर है। ओके 1.5 CR से ऊपर की है ये गाड़ी है, ठीक है गाइस। बाकी आप कार की कंडीशन देख लो, ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी HSC है, टॉप एंड वेरिएंट है, HSC टॉप एंड वेरिएंट, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट अब आपके आ चुके ऑडी Q5 ओल्ड शेप वेरिएंट में, पहले हमने आपको न्यू शेप दिखाई थी, अभी आपकी ओल्ड शेप आ गई है, तो कोई ज्यादा कोई एक्सपेंसिव में नहीं जा सकता, उसे ऑडी Q5 ही चाहिए, तो एक ये ऑप्शन अवेलेबल है। भैया डिटेल दीजिए इस गाड़ी की। ऑडी Q5 मई 2013 का मॉडल है, गाड़ी जो चली है 69,000 अराउंड चली है, गाड़ी सेकेंड ओनर है, पहले हमने ही दी थी, हमारे पास बायबैक की भी एश्योरिटी रहती है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हम डील के टाइम पे कस्टमर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी सेकंड ओनर है और इस गाड़ी का हमने प्राइस रखा है 13,90,000। 13,90,000 रुपीस, ओके। सो पहले हमने आपको दिखाई थी न्यू शेप में रेंज रोवर स्पोर्ट, अब आपके आ गया रेंज रोवर स्पोर्ट ओल्ड शेप वेरिएंट। हाँ जी, ओल्ड शेप HSC 2013 नवंबर की गाड़ी है, गाड़ी चली है अराउंड 88,000, ठीक है। गाड़ी वेल कैप्ड है, कंप्लीट ओरिजिनल है, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं, कोई रिपेंट नहीं। गाड़ी का जो हमने प्राइस रखा है 33,90,000। ओके एंड गैस बता दूं अभी शायद भैया अगर हम बात करें, हमने शायद थोड़े टाइम पहले एक रेंज रोवर आके पहले भी कवर की थी जो अराउंड 2 लाख चल चुकी थी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मतलब गैस ऐसी ऐसी भी गाड़ी है, एंड बता दूं 2 लाख चली है तो पूरी 2 लाख ही चली है, एंड कंपनी में भी जाओगे तो उतनी चली हुई गाड़ी है वो। हमारी कंपनी की पॉलिसी है हम मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, जो सर्विस रिकॉर्ड के साथ गाड़ी होती है उसी को प्रोक्योर करते हैं, और गाड़ी नॉन एक्सीडेंट होगी, गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो इसकी भैया वैसे क्या इसके चांसेस है कुछ फाइनेंस होने का, कोई क्रंच है तो? 2013 है, हार्डली 1 ईयर 2 ईयर हो जाएगी, मतलब इतनी हो सकती है फाइनेंस। हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट गाड़ी अब आपके आ चुके हैं मर्सिडीज बेंज ML 250 है भैया 350 CDI है? ये 250 CDI है, 2015 मॉडल है, मई महीने की गाड़ी है, 54,000 अराउंड कुछ चली हुई है गाड़ी, और गाड़ी है जो गुड़गांव रजिस्टर आप देख सकते हैं, गाड़ी का जो हमने प्राइस रखा है 27,90,000। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट आपको हम दिखा रहे हैं गाइस ऑडी Q7 दो अवेलेबल है, दोनों आपकी DL नंबर की है। सबसे पहले भैया हम आएंगे इस कार की डिटेल पे। ये जनवरी 2013 का मॉडल है,
गाड़ी जो चली है 97,000 अराउंड चली है, Q7 है, हाई एंड मॉडल है गाड़ी का, जो है अपना प्राइस रखा हमने 16,90,000, 16,90,000। ओके ठीक है। एंड भैया 3.0 TDI क्वार्टर वेरिएंट है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। 3 लीटर है, इसमें 4.2 भी आता है वो भैया, लेकिन बहुत रेयर है, मैंने देखा है वो कभी। बहुत ही रेयर लेते हैं उसको और फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा है उसकी। ओके ओके ठीक है। एंड भैया अब बात करते हैं, ये आपकी व्हाइट कलर में थी, आपकी सिल्वर में आ गई, डिटेल पाएंगे। ये नवंबर 2011 है गाड़ी का, आप नंबर देख रहे हैं, ये DL नंबर की अभी प्लेट है, इसका चंडीगढ़ नंबर रजिस्टर हो चुका है। अच्छा हाँ जी, चंडीगढ़ नंबर इस पे लग चुका है, अभी नंबर प्लेट आई नहीं है, जैसे ही वो आ जाएगी इस पे इंडोर्स हो जाएगी। ओके अब जो गाड़ी चली है ये अपनी चली है 82,000 अराउंड, गाड़ी वेल कैप्ट है, कंप्लीट ओरिजिनल है, और गाड़ी का जो हमने प्राइस रखा है 14,90,000। एंड गाइस बता दूं, बेसिकली इस पे जब देख रहे हैं, अब इस पे चंडीगढ़ का नंबर लगने वाला है, तो अगर कोई हमारा भाई चंडीगढ़ से बैठ के हमारा ब्लॉग देख रहा है तो चंडीगढ़ का इसके लिए जा सकता है, चंडीगढ़ बिल्कुल, इवन कोई पंजाब के साइड का भी बंदा देख रहा है चंडीगढ़ से, पंजाब से, पैन इंडिया कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन चंडीगढ़ और जो पंजाब से है उनके लिए बेनिफिट है कि उनको नंबर के लिए दोबारा से खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, उनको नंबर साथ मिल ही रहे। सो गाइस बता दूं, आज के ब्लॉग में फिलहाल मैंने आपको न्यू शेप की SUVs काफी दिखाई, एंड बता दूं वेल मेंटेन्ड है, कंडीशन में अगर हम बात करेंगे, बाकी सारी कार के नंबर जो है हमने आपके लिए विजिबल छोड़ रखे हैं, अगर आपको किसी भी कार की कोई डिटेल चाहिए नंबर आपको दिखी गए हैं वहाँ पे, उसकी सारी कार की डिटेल निकलवा सकते हैं। NBA में बात करूँगा, अगर कोई भाई का ब्लॉग देखे आएगा उसके लिए खास डिस्काउंट होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे। ओके ठीक है। एंड गाइस बता दूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, YouTube चैनल माय एक्साइटिंग व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट मिलने वाला है कि आगे कौन कौन से ब्लॉग आने वाले हैं। सो भैया अभी फिलहाल हमने लग्जरी SUVs का कलेक्शन दिखाया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या दिखाने वाले हैं? हम दिखाएंगे लग्जरी सेडान्स। ओके एंड उसके बाद आपके लिए दो स्पेशल बेंटलीज का ब्लॉग आने वाला है, तो वो भी इस पे आपको डिटेल वीडियो आने वाली, वो भी जरूर देखना। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपके लिए न्यू कार कलेक्शन लेके। भैया तब के लिए दोस्तों बाय बाय।